नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में भी लागू। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लिया भाग। उत्तर पूर्व में कृषि के विकास के साथ बागवानी, पाम ऑयल, जैविक खेती और बांस के विकास जैसे क्षेत्रों पर दिया गया विशेष जोर। भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से जल जीवन मिशन किया जा रहा है लागू। 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति व्यवस्था की जाएगी सुनिश्चित। देश के कई हिस्सों में मौसम का कहर। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी। मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र के जलगांव में जलभराव। एनसीआर और आसपास के इलाकों में भी बारिश के कारण तापमान में गिरावट। और हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बदलते हालात के बीच देश विदेश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रदेश में निवेश को सरल बनाने के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से वेब पोर्टल जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत इकाइयों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये पोर्टल आने वाले दिनों में राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्र योजना जिसका आज इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इसे उद्योग जगत को मिलेंगे, मगर मैं स्पष्टता करता हूं ये अनुमानित लाभ है। ये बहुत आगे तक जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला, डीबीटी, सौभाग्य और कई योजनाएं जम्मू कश्मीर में 100% लागू कर दी गई हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कई योजनाओं की घोषणा की गई है। उज्ज्वला, डीबीटी, सौभाग्य और कई योजनाएं जम्मू कश्मीर में 100% लागू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य 2022 तक जम्मू कश्मीर में पूरा होगा। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर व्यक्ति को पीएम आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। ये कहना है गृहमंत्री अमित शाह का। लगभग 2,20,000 परिवारों को घर, शौचालय और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। हिंदी और अंग्रेजी को उर्दू और डोगरी के साथ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए हैं। जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित होने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अमित शाह ने देश के उद्योगपतियों से अनुरोध किया है कि जम्मू कश्मीर में निवेश करें और इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाने में सहयोग दें। पीएम मोदी ने कहा था कि धारा 370 और 35A जाने के बाद जम्मू कश्मीर में रोजगार और खुशहाली की एक नई शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत। मेडिकल सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी गई है। 9,167 करोड़ रुपये की 196 मेगावाट क्षमता वाली
पनबिजली योजना की वहां पर जल्द से जल्द उसकी पूर्ति होगी। कृषि का विकास होने से यहां के लोगों की आय बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किश्तवाड़ जिले में 8120 करोड़ की लागत से 1000 मेगावाट क्षमता वाली पाकल ढुल परियोजना का काम दिसंबर 24 तक पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल सहित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित थे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय में गठित की गई तकनीकी समिति द्वारा आयोजित की गई पिछली बैठक में 6 नवाचार प्रस्तावों और 8 अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों पर विचार किया गया और अब उन्हें विभाग के नवाचार पोर्टल में सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों से राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सहायता प्राप्त होगी। अगस्त 2019 से भारत सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से जल जीवन मिशन लागू किया जा रहा है, जिससे कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। मिशन के उद्देश्य को तीव्रता और परिमाण के साथ पूरा करने के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए अभिनव तकनीकी समाधान की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है, जिससे नई प्रौद्योगिकियों की पहचान की जा सके और वित्त पोषण के लिए उच्चतम स्तर के अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों का चयन किया जा सके। इस समिति में भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों, IIT, राज्य सरकारों, नीति आयोग और गैर सरकारी संगठनों और यूनिसेफ के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उत्तर पूर्व में कृषि के विकास पर विशेष जोर है केंद्र सरकार का। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, कृषि मंत्रियों, मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बैठक मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में कृषि के विकास के साथ बागवानी, पाम ऑयल, जैविक खेती और बांस के विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर देने को लेकर केंद्रित थी। मुख्य रूप से कृषि के विकास के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती और बांस के विकास शामिल है। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री BL वर्मा और सहकारिता मंत्रालय के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक का उद्देश्य कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करना था। हाल ही में खाद्य तेलों पर शुरू की गई राष्ट्रीय मिशन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बांस विकास योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र बागवानी विकास योजना और जैविक खेती की विकास योजना इसमें शामिल रही। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 10% सकल बजटीय समर्थन आवंटन की समीक्षा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक में वर्चुअल जुड़कर अपनी बात रखी। तोमर ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को समीक्षा बैठक की शुरुआत करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तोमर ने कहा कि पाम ऑयल की खेती में चुनौतियां हैं, लेकिन खाद्य तेलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना देश के लिए महत्वपूर्ण है। तोमर ने कहा कि वो कृषि और डोनियर मंत्रालयों के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि पर संयुक्त रूप से व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में महीने भर के लिए पोषण माह की शुरुआत हो गई है। पोषण माह के दौरान पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर तक संचालित किया जाएगा। पोषण माह के दौरान 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऊंचाई और वजन माप के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन की जानकारी को सामने लाने के लिए स्लोगन लेखन और इसे पकाने की विधि की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण माह की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही है, जिसमें बीते 3 वर्षों के भीतर 2 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं के खाते में आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। ये पहला सप्ताह जो है मातृ वंदना योजना को भी समर्पित है। प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि गर्भवती महिला जो गरीब परिवार से है, वो दिन रात खटती है और अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती,
क्योंकि उसे दो वक्त की रोटी कमानी है और वो इस बात की भी चिंता नहीं करती कि कब जाके उसे अपना चेकअप करना है, अपना कौन सा वैक्सीनेशन लेना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मातृवंदना योजना की शुरुआत की। इस सभा में उपस्थित सभी महानुभावों को ये जानकर खुशी होगी कि मात्र 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा ऐसी गर्भवती महिलाओं के बैंक के खाते में 8,800 करोड़ भारत सरकार ने डीबीटी के माध्यम से उन महिलाओं के सहयोग में पहुंचाया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि सुपोषित भारत के सपने को साकार करने के लिए पोषण पर अहम ध्यान दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि जब हम सुपोषित भारत की रचना करें तब इस बात का विशेष हम ध्यान रखें दैट न्यूट्रिशन हैज टू बी अफोर्डेबल एंड लोकली अवेलेबल। और उसी दृष्टि से आयुष मंत्रालय की भूमिका और भी अहम हो जाती है। और अब बात करते हैं बदलते मौसम की मार की। उत्तरी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्षेत्र की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है जबकि कुछ अन्य को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। पटना और हाथीदह में भी गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी करीब 10,000 घरों में घुस गया है। कुल मिलाकर 100 से अधिक पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल दरभंगा में कुछ बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया। और बिहार में बाढ़ की स्थिति का हाल जानने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों का रोजाना जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बाढ़ को सीमित करने के लिए उपायों पर भी काम कर रहे हैं। कई बार ऊपर से देख चुके हैं लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सबको देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई कहा ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट करके ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे, इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है। वहीं असम में भी बाढ़ की स्थिति पिछले 24 घंटों में और खराब हो गई है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 5,73,938 हो गई है। मोरीगांव जिले में एक और मौत की सूचना मिली है। नलबाड़ी में 1,10,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। नलबाड़ी के बाद लखीमपुर और दारंग जिले के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। वहीं बाढ़ प्रभावित गांवों की संख्या बढ़कर 1,278 हो गई है। राज्य भर में अब तक 105 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं जहां 4,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। बचाव दल ने पिछले 24 घंटों में 1,000 से अधिक लोगों को नावों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधि में तेजी आने की संभावना है। साथ ही मुंबई सहित कई क्षेत्रों में अगले कुछ घंटे रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले कुछ घंटों के दौरान मुंबई में मध्यम बारिश होगी। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के कारण विभिन्न क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं जिससे शहर का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कई वाहन मलबे में दब गए हैं। अहमदनगर जिले में भी मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को सुरक्षित जगह विस्थापित करना पड़ा है। मुंबई समेत ठाणे पालघर रायगढ़ जिले में भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के गन्ना किसानों के हित में गन्ने का FRP यानी लागत और उचित मूल्य 285 रुपये से बढ़ाकर 290 रुपये किया है। सरकार के इस फैसले की ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने के लिए हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की मेरठ जिले के सिसोली गांव के गन्ना किसानों से। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों के हित में FRP यानी लागत और
लाभकारी मूल्य को 285 से 290 रुपए कर दिया। इससे किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर बात करने के लिए हम खुद मेरठ जिले के सिसोली गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ गन्ना किसान हैं जो अभी गन्ना के खेत में मौजूद हैं। आइए इन किसानों से बात करते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है गन्ना का मूल्य 285 से 290 कर दिया प्रति क्विंटल, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने जो 5 रुपये का गन्ना, जो 5 रुपये क्विंटल जो है गन्ने का जो इजाफा करा है, उसके लिए जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो ये धन्यवाद ही बोल लेंगे जी, इन्होंने जो सराहनीय काम करे हैं, बहुत सारे और भी काम कर रखे हैं, जैसे हमारा 2000 रुपये DBT के माध्यम से हमें पैसा मिल रहा है बैंक में, उसमें भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, मोदी जी के द्वारा ही हुआ है यूँ, और हम इससे बड़े खुश हैं। और इन्होंने देश हित में भी बहुत अच्छा काम करा है, जो बड़ा ही सराहनीय काम है, और गन्ना मूल्य बढ़ा के तो किसानों को इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है। बहुत ही सराहनीय काम किया है मोदी जी सरकार ने। सरकार का बहुत धन्यवाद है, 5 रुपये बढ़ाए हैं, पेमेंट टाइम से पहले करा रहे हैं, हमारे लिए बिजली दे रहे हैं। तो मोदी जी ने 5 रुपये ये 85 से 90 MRP करा है, इससे सभी किसान बहुत खुश हैं और बहुत बहुत मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आप क्या कहेंगे? बस सभी के साथ ही ये बात, 5 रुपये बढ़ाए हैं सबने, हम भी साथ मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने 5 रुपये बढ़ाए हैं और किसानों का पेमेंट टाइम से कराया है और किसानों के लिए बहुत काम किए उन्होंने और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। मोदी जी ने 5 रुपये बढ़ा के हमारा बड़ा सम्मान किया है और हम उनका सम्मान कर रहे हैं। 5 रुपये बढ़ाए बहुत बड़ी बात है, 5 रुपये बढ़ा दिए मोदी जी ने, बहुत बढ़िया सराहनीय काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा, 5 रुपये बढ़ाए गए, मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, 5 रुपये बढ़ाए हैं उन्होंने, अच्छा करा किसानों के लिए। मोदी जी ने बहुत बहुत बढ़िया काम करा है, 5 रुपये बढ़ाए किसान के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो है बिजली सब बढ़िया मिल रही है, पेमेंट टाइम से मिल रहा है। आपका क्या? हम मोदी जी की सरकार से बहुत खुश हैं, इन्होंने प्रति क्विंटल में 5 रुपये बढ़ाए हैं, लाइट अच्छी मिल रही है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी आई है और 5 रुपये बढ़ाए हैं किसानों को, सभी को बड़े खुश हैं आपके आदमी। सरकार बहुत अच्छी है और आने वाली सरकार भी ऐसी रहे जैसी अब है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से न केवल गन्ना किसान खुश है बल्कि खासा उत्साहित भी है। किसानों को उम्मीद है कि इस तरह के फैसले लेने से न केवल किसानों की आर्थिक तरक्की होगी बल्कि भविष्य में उनकी आमदनी बढ़ने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरठ के सिसोली से मेरठ की कैमरामैन संदीप और संगीता के साथ मैं ओपी यादव। और आइए अब देखते हैं क्या है मंडी भाव। इन दिनों देश में धान की खेती हो रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 4 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,88,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,93,41,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल धान की रिकॉर्ड पैदावार 122.27 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये विगत 5 सालों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। देश से होने वाले चावल के निर्यात में साल की शुरुआत में अच्छा इजाफा हुआ है, हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से मई के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात घटकर 7,29,521 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 8,75,235 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 2 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 17 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से मई महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 28,96,906 टन, गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 11,17,032 टन का ही हो सका था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की कसडोल मंडी में 30 अगस्त को धान का भाव रहा 1,360 रुपए, 31 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1,355 रुपए। वहीं कर्नाटक की हरिहर मंडी में इस दौरान सोना क्वालिटी की धान के सौदों में 15 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 31 अगस्त को सोना धान का भाव रहा 2,000 रुपए, जो 30 अगस्त को 1,985 रुपए था। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 30 और 31 अगस्त को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,868 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी के धान के भाव में नरमी दर्ज की गई।
यहाँ 30 अगस्त को सामान्य धान का भाव था 1,450 रुपए, 31 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 1,440 रुपए पर हुए। बीते कुछ दिनों से आगे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ कमी दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 37,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 37,61,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 27 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,35,83,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,34,23,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नज़र डाले तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव रहा 8,400 रुपए, 31 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 8,500 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की हरदोई मंडी में उड़द के सौदों में 40 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,490 रुपए, जो 30 अगस्त को 7,450 रुपए था। उड़द के भाव में उठाव का सिलसिला ललितपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 27 अगस्त को उड़द का भाव रहा 6,400 रुपए, 31 अगस्त को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 6,500 रुपए पर हुए। हालांकि लखनऊ मंडी में 30 अगस्त को उड़द का भाव था 7,760 रुपए, 31 अगस्त को उड़द 10 रुपए टूटकर 7,750 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,050 रुपए, आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,960 रुपए, उतरौली मंडी में उड़द 7,270 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जौनपुर मंडी में उड़द के सौदे 8,115 रुपए पर हुए। और आइए बात करते हैं मौसमी फसलों की और क्या रखें इस मौसम में सावधानियां। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में कुछ स्थानों पर सोयाबीन, मक्का, अरहर और प्याज में सफेद ग्रब का हमला दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक सलाह से तुरंत उचित दवा का छिड़काव करें। कपास की फसल में पीलेपन की समस्या हो रही हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना होगा। अगर पौधे सूखने की समस्या आ रही है तब भी इसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज या एरियल ब्लाइट और चारकोल सड़न के लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनाजोल का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लहसुन बोने की तैयारी हो रही है। किसान 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई जरूर पूरी कर ले। निमाड़ के लिए G282, G323, महादेवी, आमलता और हिमाचल जैसी किस्में लगा सकते हैं। यहाँ के किसान इस समय फलों के नए पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोद ले और हर गड्ढे में 15 से 20 किलो के हिसाब से देसी खाद डाल दे। राज्य के सतपुड़ा पठारी इलाके में अगेती मटर, आलू और प्याज 15 से 20 सितंबर तक बो ले। आलू के बीज को पेंसी क्विरॉन से जरूर उपचारित कर ले। आम के बागों में सूखी और रोग से ग्रस्त टहनियों को तोड़कर अलग कर दे। सोयाबीन में कैटरपिलर से निपटने के लिए प्रति एकड़ 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। बुंदेलखंड में मूंगफली के खेतों में दीमक की शिकायत मिल रही है। बचाव के लिए फोरेट 10G का इस्तेमाल करें।
यहीं पर बैंगन, मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा बीमारी लग सकती है। इस बीमारी में पत्तियां मुड़ जाती हैं। फसल की निगरानी रखें और प्रकोप होने पर कृषि वैज्ञानिक से सलाह लें। बुंदेलखंड में इस समय बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और पत्ता गोभी की रुपाई की जा सकती है। मध्य नर्मदा इलाके में गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 पिरीबाग सोडियम 10% SC का छिड़काव किया जा सकता है। राज्य के झाबुआ पहाड़ी हिस्सों में नाइट्रोजन की बाकी 1/3 खुराक डाल दें। झाबुआ में ही पालक, भिंडी, ग्वार और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी उर्वरक डाल दें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।